क्षेत्रों में इमरजेंसी नाफिस है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से असलम मोराई। सैलाब से मुतासरा कराची आने वाले अफराद सैलाब की मुसीबत से तो बच गए, तमाम वबाई अमराज की शक्ल में उनको एक और मुसीबत का सामना है। कराची के इलाके गडाब टाउन गुलशन मैमार में हुकूमत सिंध लेबर डिपार्टमेंट के तैयार नए फ्लैट्स में जैकमाबाद और कश्मीर से आने वाले सैलाब के मुतासर अफराद को रखा गया है, जहां मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावज कर चुकी है। मुतासरीन के मुताबिक कैंप में कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं, साफ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। इसकी वजह से जो है ना बच्चे छोटे तकरीबन बड़े भी उनका पेट खराब हो रहा है, डायरिया फैल रही है और सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है, पानी बिल्कुल ही गंदा है। मजकूरा कैंप में खराब पानी और नामुनासिब माहौल के बायस गेस्टों की वबा फूट पड़ी है और डायरिया के नतीजे में 5 कमसन बच्चे जहां बहक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों बच्चे इलाज की गरज से अस्पताल में दाखिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रोजाना 700 से ज्यादा मरीज बच्चे लाए जा रहे हैं और जगह की तंगी के बायस मुश्किलात का सामना है। अननेस डेवलप हो गया है और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। हम यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। इनमें दस्त और उल्टी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। कल पेशेंट थोड़े कम थे, आज पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पॉसिबली शायद ये खाने पीने की वजह से हो रहा है। सीरियस पेशेंट्स को हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भेज रहे हैं, जो काफ़ी लोगों को हम आईवी लाइन यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। जिन लोगों को दवाई दे सकते हैं घर वापस चले जाएँ उनको वापस कर रहे हैं। तकरीबन 400-500 मरीज हम दिन में देखते हैं, 200-250 मरीज रात को देखते हैं। कैंप में जहाँ बहक होने वाले बच्चे के लवाकिन का कहना है कि एक तरफ सैलाब से बच के यहाँ तक पहुँचे हैं तो खराब पानी पिलाकर हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। असन जो ये नडड़ो मरी हो आ बस दस्त उल्टी में छड़ो पानी ही तो जो किनो हो खराब बस उतो बस जरा सी न मरी हो वा असन भी 1 बजे साडे लेट आया सा बचड़ा कडी बाहर निकता असन जो फसल असन जा घर सामान असन जा बुढ़िया असन के किराओ कोन हो असन जे निकता शिकायत असन हत भी कोई मदद न तो करे असन किनो पानी था असन के जन असन वेल असन ना को असन के खादो भी सही ना है। गडाब टाउन की इंतजामिया का कहना है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है और कैंप में फैलने वाले वबाई अमराज पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। इस तूफानी सैलाब ने हर घर में एक अनमिट कहानी छोड़ी है। कैमरामैन वकार खान के साथ असलम मोराई, वक्त न्यूज, कराची। असलम मोराई का पैकेज आपने मुलाहजा किया। बात करते हैं सूबह बलोचिस्तान के।